आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस गुड फ्राइडे के कार्यक्रम में। टू वेरी वार्म वेलकम फ्रेंड्स टू एक नई जिंदगी। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा गुड फ्राइडे स्पेशल एपिसोड। और आज हम मिलकर याद करेंगे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को जो उन्होंने मनुष्य जाति के लिए क्रूस पर दिया। जी हाँ, ये गुड फ्राइडे जो हम बोलते हैं, आज वाकई में वचन से देखेंगे और कहानियों से देखेंगे कि व्हाट इज़ एक्चुअली गुड अबाउट दिस फ्राइडे। जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े, एक दर्दनाक मौत सही, तो इसमें गुड क्या है? जी, एवरीथिंग इज़ गुड अबाउट गुड फ्राइडे, बिकॉज इंसान जो पाप में पड़ा हुआ था और पाप की वजह से परमेश्वर के साथ उसका जो रिश्ता था वो टूटा हुआ था, एंड परमेश्वर खुद इंसान बनकर इस दुनिया में आए और उन्होंने पाप रहित जीवन जिया और हमारे लिए वो क्रूस पर बलिदान हुए। हमारे जो पापों का बोझ है उन्होंने अपने ऊपर ले लिया और हमें उस दंड से उन्होंने छुटकारा दे दिया है। एंड दिस इज़ व्हाट हैपेंड ऑन द डे ऑफ गुड फ्राइडे, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ गुड फ्राइडे। रेबेका, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया गुड फ्राइडे का मतलब। भाइयों बहनों, गुड फ्राइडे विच इज़ कॉल्ड गुड, एंड हम कहें गुड क्यों है, मगर ये ह्यूमैनिटी की भलाई के लिए है, आपके और मेरी भलाई के लिए है। कि जहाँ पर हमारा राह बिल्कुल कठिन डगमगाया हुआ घूम रहा था, अंधकार में घूम रहा था, प्रभु ने हमें उजाला में लेकर आए, अपने राज्य में लेकर आए, एंड दैट्स द गुड पार्ट अबाउट इट। जी बिल्कुल दोस्तों, और हमारी यही प्रार्थना है कि आज अगर आप अंधकार में हैं, पापों के अंधकार में हैं, तो आप भी उजाले में आ जाएंगे और आप जगत की ज्योति से अपने जीवन में ज्योति पाएंगे। और जगत की ज्योति हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह। और आइए दोस्तों, आज हम आपको मिलाएं रेनबी लोथा से, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर के प्यार और उनकी मर्जी को होते हुए देखा। एक समय था कि सिचुएशन ऐसी थी कि वो परमेश्वर से नाराज़ होकर बाइबल भी उन्होंने फाड़ दी थी। पर ऐसा उन्होंने क्यों किया और इसका और कैसे उनका जीवन बदला, आइए उनकी ये सच्ची और बहुत ही खूबसूरत कहानी देखें। और ये आपके लिए खास दीमापुर से लेकर आई हैं हमारी सीबीएन प्रोड्यूसर लुजायरो। सबकी अपनी कहानी होती है और ये मेरी कहानी है। मैं हूँ रेनबी, नागालैंड इंडिया से। मैं एक मसीही परिवार में पला बढ़ा हूँ। एक दिन मैंने और मेरे दोस्तों ने एक इवेंट में जाने का फैसला किया और घर लौटते समय हमारा एक्सीडेंट हो गया। एक पूरी तरह से लदे हुए ट्रक ने हमारी कार को टक्कर मार दी और हमारी कार बुरी तरह से तहस नहस हो गई। वो पूरी तरह से टूट गई थी। कार में हम चार लोग थे और मैं अकेला था जो गंभीर रूप से घायल हुआ था। मेरे दोस्त मुझे हॉस्पिटल ले गए। मैं बेहोश था। 7 दिनों के बाद जब मैं उठा तो मैंने खुद को आईसीयू में पाया। पहले तो मैंने अपना चेहरा अपनी उंगलियों से महसूस किया और इसके बाद मैं आईने में अपना चेहरा नहीं देखना चाहता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला कि मेरा चेहरा खराब हो गया था, जिसकी वजह से मुझे खुद को लेकर शर्म महसूस होने लगी। मैं निराशा से भर गया और मुझे अपने कमरे से बाहर जाने में भी शर्मिंदगी महसूस होती थी। अपने गुस्से और निराशा में डूबकर मैंने अपनी बाइबल को काट कर फेंक दिया। मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। मुझे जीवन में आगे बढ़ने या जीने की चाह महसूस नहीं होती थी। मैं अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहता था। लोग मुझसे मिलने और मुझे प्रोत्साहित करने के लिए मिलने आने लगे। यहाँ तक कि मेरे माता पिता भी मेरे लिए प्रार्थना करते थे। मुझे लगा जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ही मेरी एकमात्र उम्मीद हैं। फिर मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देने का फैसला किया। मैंने अपना सारा दर्द और बोझ उन्हें दे दिया। मेरे सारे भावनात्मक घाव, सारी अनिश्चितताएं और डर मिटने लगे। और साल 2018 में मैं एक बाइबल स्कूल गया जिसने मेरे जीवन को बदलना शुरू कर दिया। मैं इस सच्चाई को जानने लगा कि प्रभु यीशु मसीह ही मेरी असली पहचान है।
उन्होंने अपने वचन से मेरे मन को नया करना शुरू किया। बाइबल का एक वचन जिसने मुझे उम्मीद दी वो है यशायाह 53:5। शालोम की शांति के लिए मसीही के शरीर को तोड़ा गया था। हमारी पूर्णता संपूर्णता के लिए कुछ नहीं टूटा, हम में कोई कमी नहीं है। एक और वचन जिसने मुझे उम्मीद दी वो है इफिसियों 3:20 से, जो कहता है कि परमेश्वर बहुतायत से अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमारी अंदर की पूरी शक्ति से मांगने और हमारी सोच से भी ज्यादा हमारे लिए बहुत कुछ करने में सक्षम है। इस तरह से ये वचन मेरे काम आए। आज मैं अपने लुक्स को लेकर शर्मिंदा नहीं होता हूँ, मुझे अब शर्म नहीं आती। मेरे मन में केवल एक ही बात है कि मैं परमेश्वर की महिमा करूं, उसकी सेवा करूं। आज परमेश्वर लोगों को उम्मीद देने के लिए मुझे एक गवाही के रूप में मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, और मैं लिविंग लाइफ प्रेयर और हीलिंग सेंटर दीमापुर में एक केयर टेकर के रूप में सेवा कर रहा हूं। और जो मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूं। आप शायद पाप भरे जीवन के बोझ तले दब जाएं, लेकिन परमेश्वर आपको प्रभु यीशु मसीह में एक नया जीवन दे सकता है। और अगर आप किसी भी मुसीबत भरे हालात से घिरे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल, रिलेशनल, बिजनेस या कुछ भी हो, परमेश्वर आपकी बुरी से बुरी स्थिति को फिर से बदल सकता है। परमेश्वर आपके मरे हुए सपनों और आपकी सोच को नया जीवन दे सकता है। रणबी, आपकी कहानी सुनकर हमें काफ़ी सारा एनकरेजमेंट भी मिला, और ये भी जानने को मिला कि प्रभु ने आपको कितनी पेशेंटली आपके चारों तरफ उन लोगों को लगाया जो आपके लिए प्रार्थना कर रहे थे, और प्रभु ने आपको छोड़ा नहीं। जी बिल्कुल, और कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं और हम सोचते हैं कि क्या हो गया, लेकिन नो, गॉड कैन ब्रिंग आउट गुड फ्रॉम एनी थिंग। आई थिंक द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड विद रणबी इज़ कि उस डिफ़िकल्ट एक्सीडेंट में से भी जब आप बाहर आए तो परमेश्वर को आपने जाना, एंड व्हाट कैन बी बेटर देन दैट, यू नो, एंड दैट इज व्हाट गुड फ्राइडे इज ऑल अबाउट। एग्जैक्टली। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं गुड फ्राइडे की, एंड अगर गुड फ्राइडे को मैं एक लाइन में आपको बताना चाहूँ उसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब है गॉड इज पार्ट ऑफ माई स्टोरी। प्रभु मेरी जीवन की कहानी में उनका बहुत बड़ा छाप है। मुझे याद है जब हमारी बेटी पैदा हुई थी तो हम उसको घर लेकर आए थे, तो उस दिन के बाद हम लोग के घर में जो हमारे तौर तरीके थे बिल्कुल बदल गए। क्योंकि एक दिन था जब बेटी नहीं थी, जब मैं और मेरी पत्नी साथ में थे। अब उस दिन बेटी के पैदा होने के बाद उस घर में 3 लोग हो गए, तो बेटी जो थी शी बिकेम पार्ट ऑफ आर स्टोरी, वी बिकेम पार्ट हर स्टोरी। एंड उस दिन से हम लोग की जो भी घर के शेड्यूल था दैट रिवॉल्व अराउंड हमारी बेटी का, कि उसका उठना बैठना, और जैसे जैसे उसके साथ होता था उसे थोड़ी बहुत कभी कदार बीमारी होती थी, कभी कदार स्कूल जाने का था, हर एक चीज़ में हमने शेड्यूल अपना ऐसे बनाया कि उस बेटी को हम अकोमोडेट कर सकें। तो उसकी स्टोरी में हमारी बहुत बड़ी छाप थी और हमारी स्टोरी में उसकी बहुत बड़ी छाप थी। एंड दैट इज़ वॉट गुड फ्राइडे इज़ अबाउट। गॉड इज़ पार्ट ऑफ योर स्टोरी। प्रभु आपकी कहानी में, आपके जीवन की कहानी में उनका बहुत बड़ा उपस्थिति है, बहुत बड़ा स्टैम्प है। आइए देखें वचन क्या बोलता है इसके बारे में। 2 कुरिन्थियों 5:21 में वचन में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। आपने देखा दोस्तों, जो पाप से अज्ञात था, यीशु मसीह पाप से बिल्कुल अज्ञात थे, उनमें कोई पाप नहीं था, और उन्होंने अपने आप को मनुष्यों के लिए पापी ठहरा दिया, पापी इस तरीके का कि वो क्रूस पे जाएं। प्रभु ने कोई पाप नहीं किया था, उन्होंने मनुष्यों का पाप अपने ऊपर ले लिया और उस पाप को अपने ऊपर लेकर क्रूस पे चले गए, जहां पाप को जाना चाहिए था और जहां पर मुझे और आपको जाना चाहिए था उस पाप के साथ। मगर प्रभु जो पाप में रहित थे, पाप से रहित थे, अपने ऊपर पाप ले लेते हैं और क्रूस पे चले जाते हैं, और मुझे और आपको क्या मिलता है? प्रभु की धार्मिकता, राइचसनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट मुझे और आपको मिलती है। एक ग्लोरियस एक्सचेंज होता है, मेरे और आपका पाप प्रभु के ऊपर चला जाता है और प्रभु का जो राइचसनेस है मेरे और आपके ऊपर आ जाती है, सो दैट वी आर प्रेजेंटेबल इन द प्रेजेंस ऑफ आवर हेवनली फादर। तो मेरी आपसे यही इल्तजा होगी आज के वचन के द्वारा कि आप देखिए कि प्रभु आपकी जिंदगी में, प्रभु आपकी स्टोरी में है कि नहीं। इज ही पार्ट ऑफ योर स्टोरी।
अगर आज आप अपने आप को ऐसी सिचुएशन में पाते हैं जहां पर आप गंभीर रूप से घिरे हुए हैं परेशानियों से, दिक्कतों से, पीड़ा से, हाँ दुनिया के जो थोड़ी बहुत दवाइयां हैं, दुनिया के थोड़े बहुत कंफर्ट्स हैं, थोड़ी देर के लिए वो पीड़ा या परेशानी को या दुख दर्द को दूर कर सकते हैं, बट नॉट इन अ परमानेंट सेंस। वो परमानेंसी जो चेंज लाती है लाइफ में, वो सिर्फ यीशु मसीह ला सकते हैं। और गुड फ्राइडे वाले दिन वही चीज होता है, एंड वो चेंज इसलिए आता है क्योंकि मैं और आप पाप में पैदा हुए थे। वचन के अनुसार मैं और आप प्रभु की महिमा से रहे थे और पाप में पैदा हुए थे, और वो पाप मेरे और आपके बूते की बात नहीं है कि हटा दें, वो सिर्फ क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने हटाया था, अपने ऊपर लिया था और अपनी धार्मिकता मुझे और आपको दी थी। तो उस एक्सचेंज की वजह से मैं और आप प्रभु की लाइफ की, प्रभु मेरी और आपकी लाइफ में आता है, अपनी स्टोरी बनाता है, मेरी और आपकी लाइफ की स्टोरी में ही इज गॉट अ बिग पार्ट, एंड मैं और आप प्रभु की स्टोरी में होते हैं। और अगर आज आपको लगता है कि आपकी लाइफ में प्रभु को होना है, तो हो सकता है ये समय ऐसा हो कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपनी जीवन में अपनाएं, अपना प्रभु मानकर, अपना उद्धारकर्ता मानकर, और प्रभु आपकी लाइफ में, प्रभु आपकी स्टोरी में बहुत अहम भूमिका निभाएंगे आपके आने वाले कल के लिए। बीता हुआ कल जो है, जो आपको सताता है, गिल्टी ठहराता है, उसमें कोई दोष नहीं होता है प्रभु यीशु मसीह में। आने वाला कल एक ग्लोरियस कल है, एक आशा से पूर्ण कल है प्रभु में। और आने वाला आज, जो आज चल रहा है, वो आज आपके लिए प्रभु में महिमा से पूरा है, आपको प्रभु डायरेक्शन देंगे पवित्र आत्मा की उपस्थिति में। मैं उम्मीद करता हूँ भाइयों बहनों, आज इस गुड फ्राइडे की मैसेज में, आज इस गुड फ्राइडे की समझ में आप ये जाने कि गॉड इज पार्ट ऑफ योर स्टोरी। वाओ फ्रेंड्स, व्हाट अ लवली ग्लोरियस एक्सचेंज ऑफर जिसके बारे में मानव ने हमें बताया कि हम अपने पापों को, अपने गुनाहों को, अपनी गलतियों को परमेश्वर को दें, प्रभु यीशु मसीह को दें, और वो उसके बदले में हमें जीवन देते हैं, हमें अपनी धार्मिकता देते हैं और हमें अनंत काल का जीवन देते हैं, हमें पापों से क्षमा देते हैं। दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि आप भी इस एक्सचेंज ऑफर को ज़रूर लेंगे। जी हाँ, और अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है और आप करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर हमसे संपर्क करें, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे, और आपकी जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं आप वो भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें CBN प्रेयर लाइन में, और हमारा नंबर है 9910401010। अभी एक वर्क है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तब हम प्रार्थना करेंगे और प्रेयर लाइन में रेवरेंड जयकरण सिंह के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। सो स्टे ट्यून विद अस, डोंट गो एनीवेयर। पेरेंट्स, सुपरबुक इंडिया विल बी लाइव ऑन इंस्टाग्राम और हमारे साथ जुड़ेंगे एक स्पेशल गेस्ट। दिस ईस्टर वी आर प्रेइंग फॉर ऑल आवर लवली चिल्ड्रन फॉर देयर ब्राइट फ्यूचर विद गॉड। सो मेक श्योर यू जॉइन अस फॉर अ टाइम ऑफ प्रेयर एट 10 AM ऑन सुपरबुक इंडिया इंस्टाग्राम। हेलो दोस्तों, एंड वेलकम टू द CBN प्रेयर लाइन। आज गुड फ्राइडे है, जो बहुत ही खास दिन है। चलिए हम मिलते हैं रेवरेंड जयकरण सिंह जी से और उनके साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। वेलकम पास्टर। थैंक यू सोफिया। ये वीकेंड हम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, खास तौर से उस समय भी स्पेशल रहा होगा जहां प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने एक तरफ प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु को फ्राइडे के रूप में एक्सपीरियंस किया और दूसरी तरफ प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को भी एक नई आशा, एक नई उमंग के तौर पर भी चेलों ने उसे एक्सपीरियंस किया है। That's right, Pastor. So, दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आपके जीवन में एक डेड एंड है या फिर निराशा छाई हुई है? आप यीशु के पुनरुत्थान से हिम्मत पा सकते हैं। जी बिल्कुल। कई बार हमारे लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं, ऐसे हालात आते हैं जहां हमें लगता है कि सब चीजें खत्म हो गई हैं, सब चीजें एंड हो गई हैं। और जितने भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, मैं बताना मांगता हूँ कि आपके जीवन में भी कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन, ऐसे हालात ज़रूर आए होंगे जहाँ आपको लगता होगा कि अब बस सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, अब कुछ आगे नहीं हो सकता। तो मैं आज इन सारे व्यूवर्स से यही बताना मांगता हूँ कि आप परमेश्वर पर विश्वास करें और चाहे जो भी परिस्थिति हो आप उसका सामना करें, क्योंकि बाइबल इसके बारे में बड़ा ही साफ तरीके से एक दृष्टांत को बताती है।
और बाइबल में यहेजिकल की पुस्तक में सूखी हड्डियों की तराई के बारे में बताया गया है, जहां पर वो सारे स्केलेटन, वो सारे डेड पीपल हैं जिनके अंदर कोई लाइफ नहीं है, जिनके अंदर कोई जिंदगी नहीं है। लेकिन परमेश्वर अपने प्रॉफिट से इस बात को कहते हैं कि इनसे बोल और इनसे बातचीत कर, और फिर लिखा हुआ है कि उन हड्डियों के अंदर जो है वो जान आ जाती है, वो फिर से अलाइव हो जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ मेरे प्रियो आप ही के लाइफ में भी हो सकता है, जहां सिचुएशंस डेड हैं। आप प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को याद करें, जहां पर प्रभु यीशु मसीह को जब कब्र में दफना दिया जाता है तो एक लोगों को लगता है, चेलों को लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, प्रभु यीशु मसीह कहां से आएंगे, ऑल द थिंग्स आर डेड नाउ, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ करके प्रभु यीशु मसीह एक नई आशा और एक नई उम्मीद को देते हैं। That's right, Pastor. और इसी encouraging thought के साथ मैं आपको request करूंगी कि आप हमारे viewers के लिए प्रार्थना करें कि उनकी dead situation में परमेश्वर जीवन और hope डाल दे। जी बिल्कुल, मैं सभी viewers के लिए जरूर से प्रार्थना करूंगा, लेकिन मैं आपको एक बात कहकर उत्साहित करना चाहता हूं। इससे पहले कि आप अपने जीवन में निराश हों, परमेश्वर पर विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है और कोई भी हालात को, डेड सिचुएशन को अपने बल में बदल लेने की सामर्थ रखता है। तो आइए हम आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने सरों को झुकाएंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे। हेवनली फादर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, खास तौर से उन व्यूअर्स के लिए जो हमें देख रहे हैं। प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है कि जितने भी लोग आज निराशाजनक परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, निराश हैं, उनको लगता है कि अब उनके जीवन में कुछ नहीं हो सकता, जहां सारे रास्ते बंद हो गए हैं, प्रभु जी हम जानते हैं कि प्रभु जी यीशु मसीह आप निराशाओं में भी बल देने वाले परमेश्वर हैं। हमारी प्रार्थना है उन लोगों के लिए जो अलग अलग परिस्थितियों में थक चुके हैं, हार चुके हैं, आप उन्हें बल और सामर्थ्य दे और जिंदगी का एक नई उम्मीद का, जैसे प्रभु यीशु मसीह आप मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे और आपने प्रभु जी जो चेले थे उन्होंने लाइफ को एक्सपीरियंस किया, एक नई आशा को एक्सपीरियंस किया, होप को एक्सपीरियंस किया, वैसे ही ये व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं ये भी आपके पुनरुत्थान की सामर्थ को याद करके इस बात को स्मरण करें कि जो प्रभु मुर्दों में से जी उठता है वो हमारे मरे हुई परिस्थितियों में भी जान डाल सकता है। इस दुआ के साथ, इस दुआ को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमेन। आमेन। थैंक यू फॉर प्रेइंग पास्टर। आप उनसे क्या कहेंगे जिन्होंने बहुत ट्राई किया, अपना बेस्ट दिया और प्रार्थना भी की, लेकिन कुछ हो नहीं पाया? मैं सभी व्यूअर्स से इसी बात को कहना चाहता हूं कि आप हिम्मत ना हारें, कीप योर बेस्ट, आप अपने एफर्ट्स को करते रहिए, और यहां भी आपको लगे, जिस भी क्षेत्र में आपको लगे कि आप असफल हो रहे हैं या आपको निराशा हासिल हो रही है, बार बार ट्राई करने पर भी आप डिप्रेस हो रहे हैं, याद रखिएगा कई बार ऐसा होता है कि हम गलत डायरेक्शंस में अपनी मर्जी से आगे बढ़ने लगते हैं और तब हमको आगे जाकर के एक डेड सिचुएशन या दी एंड नजर आता है। लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूं कि इससे पहले कि आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में आगे जाएं, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, आप उससे दुआ करें, बल मांगे, सामर्थ मांगे और सीक फॉर हिज गाइडेंस कि परमेश्वर आपके लिए क्या रखता है, क्या करना चाहता है, उसको फॉलो करें और परमेश्वर से विश्वास के साथ आगे बढ़ें, जरूर आपके जीवन में आपको सफलताएं मिलेंगी। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट विद अस पास्टर। दोस्तों, गुड फ्राइडे के बाद ईस्टर आता है, यही हमारी जीवन की भी रीत है, इसी तरह हर डेड सिचुएशन बदल सकती है। कॉल नाउ ऑन द सीबीएन प्रेयर लाइन नंबर 9910401010। अगले महीने हमारी फिर मुलाकात होगी। Till then, bye and take care. God bless you all. Thank you very much, Pastor Jaikaran Singh, and thank you, Sophia, for leading us through prayer. और इस पूरे महीने आप हमारे साथ जुड़े, आपने अलग अलग टॉपिक्स पर हमारे लिए प्रार्थना की और खास आज गुड फ्राइडे के दिन पर भी आपने हमारे लिए प्रार्थना की। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। जी हाँ दोस्तों, अब हम प्रार्थना में बने रहेंगे, समय है कि हम प्रार्थना में जाएं और शुक्रिया शुक्रवार, आज शुक्रवार है तो शुक्रिया शुक्रवार के मैसेजेस पढ़ें, मगर उससे पहले छोटा सा ब्रेक लेंगे, सो डोंट गो एनीवेयर, वील बी राइट बैक। दोस्तों, क्या आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करना अच्छा लगता है? सीबीएन प्रेयर लाइन पर रोज हजारों लोग प्रार्थना के लिए कॉल करते हैं। यू कैन स्टैंड इन दिस गैप एंड प्रे फॉर देम इन इंग्लिश, हिंदी और योर रीजनल लैंग्वेज।
To sign up as a prayer line volunteer, go to www.cbnindia.org. Click on Connect with us. In the drop-down, register for prayer line volunteer. Remember, prayer can move the hands of one who moves the universe. वेलकम बैक दोस्तों, आज गुड फ्राइडे है और गुड फ्राइडे में आज हमने प्रभु के वचन से देखा कि वचन में गुड फ्राइडे के बारे में प्रभु क्या बोल रहे हैं कि गॉड इज पार्ट ऑफ आवर स्टोरी। एक हमने एक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी देखी, ये जाना कि प्रभु ने उनके लिए, हमारे मित्र के लिए क्या क्या नहीं करा है। और अब समय होगा कि हम प्रभु को शुक्रगुजारी से प्रार्थना में प्रभु के सामने जाएं। जी बिल्कुल दोस्तों, इट्स टाइम फॉर शुक्रिया शुक्रवार, जो हम पढ़ेंगे आपके मैसेजेस। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर मैसेजेस, जो हमें बहुत इंकरेज करते हैं और इंस्पायर करते हैं, और आप हमारे लिए खास प्रार्थना भी करते रहें। और अभी समय है कि हम पढ़ें आज का ये पहला मैसेज। हमारे दर्शक कह रहे हैं, एक नई जिंदगी प्रोग्राम पर दिखाई गई हर एक सच्ची कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, खास करके एज पेरेंट्स हमने बहुत कुछ सीखा है। वी थैंक गॉड एंड वी ब्लेस CBN एंड द टीम। डियर फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच फॉर योर मैसेज, और वाकई इन सच्ची कहानियों से हम भी बहुत कुछ सीखते हैं, और इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे लिए प्रार्थना भी आप करते रहें। दोस्तों, ये जानिए कि आपके जो शुक्रगुजारी के मैसेजेस आते हैं हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देते हैं। आइए हम एक और मैसेज पढ़ते हैं। धन्यवाद CBN बेहद खूबसूरत स्थानीय कार्यक्रमों के लिए और दर्शकों को उन विभिन्न जगहों के बारे में वाकिफ करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद दें। थैंक यू सो मच फॉर दिस मैसेज। एंड इस मैसेज को पढ़ने के बाद हम और हमारी टीम काफ़ी प्रोत्साहित होती है, और क्यों ना इस मैसेज को हम प्रभु के पास लेके जाएं और प्रभु को धन्यवाद दें और प्रभु को पास प्रार्थनाओं में ये शुक्रगुजारी के मैसेज लेके जाएं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए और ख़ास तौर से ये संदेशों के लिए जिसमें शुक्रगुजारी भरी हुई है। प्रभु जी, ये शुक्रगुजारी मन से है ये जानकर कि प्रभु आपने हमारे दर्शकों से, हमारे भाइयों बहनों से बात करी है प्रभु जी, और उन्होंने आपकी प्रेम के बारे में, आपकी उपस्थिति के बारे में, आपकी पवित्रता के बारे में, आपकी सामर्थ्य के बारे में जाना है। प्रभु जी, खास तौर से आज हम प्रार्थना करना चाहते हैं हमारी CBN टीम के लिए, जो इतनी मेहनत से प्रोग्राम बनाते हैं। प्रभु जी, उनकी मेहनत को आप सफल करें, प्रोग्रामों के द्वारा आप जगह जगह जाकर लोगों को आशीष दें। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रभु जी कि आज गुड फ्राइडे के बारे में हम जिक्र कर सके, गुड फ्राइडे के बारे में हम वचन से जान सके, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टोरी के द्वारा जान सके। प्रभु जी, आज काफ़ी सारे लोग गुड फ्राइडे वाले दिन इस कार्यक्रम को सुनकर प्रभु यीशु मसीह की तरफ बढ़े चले आए। प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह को अपनाने की उम्मीद रखें और प्रभु यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। आमेन। दोस्तों, ये जानिए कि प्रार्थनाओं में बल होता है, और हम अपने सच्चे और जिंदा प्रभु के सामने प्रार्थना करते हैं, तो जो कुछ भी आप प्रार्थना में रखते हैं ये जानिए कि वो सुनी जा रही हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवित परमेश्वर है, जो हमारी प्रार्थनाएं सुनता है, उनका जवाब देता है। और आइए इस समय भी हम देखें कि प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी के बारे में आज परमेश्वर का जीवित वचन हमें क्या बता रहा है। दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत वचन है, एंड इनफैक्ट वी इनकरेज यू कि खास आज आप इस पूरे चैप्टर को ज़रूर पढ़ें, जिसमें आप जानेंगे कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों का बोझ अपने ऊपर ले लिया, उन्हें कुचला गया, उन्हें मारा गया, पीटा गया, और उन पर कोड़े बरसाए गए, और हम देखते हैं कि उन पर कांटों का ताज उन्हें पहनाया गया, और एक श्रापित मृत्यु उन्होंने हमारे लिए क्रूस पर सही, ताकि आपका और हमारा जो परमेश्वर के साथ टूटा हुआ रिश्ता है वो पुनर्स्थापित हो जाए, और हम परमेश्वर के प्रेम को एक्सपीरियंस कर पाएँ, पापों की क्षमा हम पा सकें, और प्रभु यीशु मसीह में हम एक अनंतकाल का जीवन पा सकें। हमारी यही प्रार्थना है कि आज आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जानेंगे और उनसे आप अपने पापों की क्षमा ज़रूर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों,
ये एक बहुत खूबसूरत वचन है और उस वचन में इसकी जो समझ है, इसका जो अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज इवन मोर ब्यूटिफुल। ये मेरे और आपकी जिंदगी में लागू होता है, मेरे और आपकी जिंदगी का ये एक अहम हिस्सा है, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान और मेरा और आपका उनके परिवार में आना। और यही चीज हमने आज रेनबी की स्टोरी से देखी और वचन से भी देखी कि प्रभु ने रेनबी को अपनाया, प्रभु ने वचन के द्वारा हमें बताया कि प्रभु ने मुझे और आपको अपनाया हुआ है और गॉड इज वेरी मच पार्ट ऑफ आवर स्टोरी। एंड मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानने के बाद आज आप कुछ ऐसे अहम डिसीजंस लेंगे जिसमें से प्रथम डिसीजन होगा कि प्रभु को अपनी जिंदगी में अपनाना। जी हाँ दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर आपके लिए और हमारे लिए अपनी जान दे दी, अपना लहू बहा दिया और उनके लहू से हम अपने सब पापों से, अपने सब पाप के जो दाग हैं उनसे हम निजात पाते हैं। और आइए अब समय है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त और आशा करते हैं कि आज का आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा जहाँ प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी को याद करेंगे। और अब समय है कि हम सुनेंगे द चर्च ऑफ असेंशन की कॉयर को जो हमारे लिए गा रही है एक बहुत ही खास गुड फ्राइडे हिम्न। और इस गीत के बोल हैं, रख तू मुझको क्रूस के पास। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएं, इसे गुनगुनाएं और हम भी प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के पास आएं और उनके बलिदान को हम खास याद करें। दोस्तों अब समय है हम आपका आपसे इजाजत लें, मगर याद रखिएगा कि सोमवार को मंडे को हम आपसे फिर मिलेंगे सुबह 6:30 बजे और तब एक खास ईस्टर कार्यक्रम को, खास ईस्टर प्रोग्राम को हम आपके साथ लेकर आएंगे जिसमें आप जानेंगे, सुनेंगे प्रभु यीशु मसीह का फिर से जी उठने के बारे में और वो मेरे और आपके लिए क्या अहमियत रखता है। तब तक के लिए नमस्कार। Have a blessed week. Goodbye, friends. Yeshu tu